फिलहाल हम लोगों ने जो है नहा धो लिया, साथ में 1 घंटा मैंने रेस्ट भी कर लिया था। तो अब हम लोग यहाँ से जो है होटल चेकआउट कर रहे हैं। तो अभी जो है नीचे चलते हैं, उनका रिसेप्शन में थोड़ा पेमेंट है वो कर देते हैं, बाकी लंच वगैरह का क्या प्लान रहता है वो देखते हैं, और इसके बाद में सीधे हम लोग जाएंगे जम्मू। तो वहीं से इवनिंग में हम लोगों की जो है ट्रेन है, सारा जो है ऑलमोस्ट सामान वगैरह पैक हो गया, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अब वहाँ कहाँ जा रही हो, जल्दी चलो, फिर आओ, कम हम लोग जा रहे हैं। बाय 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 बाय। जम्मू की जो है मेन मार्केट, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, बाकी सारे बहुत सारे ढाबे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सामने जो मनोरंजन वैष्णो ढाबा दिख रहा है, वहीं पे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। हम लोग तो जा रहे हैं लंच के लिए, बाकी एक दो लोग वहीं रुक गए हैं और बाकी सारे लोग जो है आ रहे हैं। भाई साहब पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची है, एकदम चलने का मूड नहीं, चलने की हिम्मत ही नहीं बची। इधर रखो, इधर रखो, बाकी पनीर और क्या? एक दाल रख लो, बाकी उधर रख लो। पालक पनीर और चपाती अभी आ रही है, बाकी लोगों को खाना मिला। तो फिलहाल हम लोगों का लंच हो गया भाई साहब, लंच काफ़ी बढ़िया था। बस मिल गई है और वोल्वो बस है, काफ़ी बढ़िया, फुल मस्त ए सी चल रहा है, सारे लोग बैठ गए। तो वही 2 घंटे में हम लोग जो है जम्मू पहुँच गए। मैंने तो अपनी सीट फोल्ड कर ली एकदम मस्त, बहुत अच्छी नींद आ रही है। हम लोग जो है कटरा पहुंच गए भाई साहब, 1 घंटे मस्त होते हुए आया, पूरी बॉडी पेन आज। काला बैग है, सब बैग है, काला निकालो। सामने है जम्मू रेलवे स्टेशन, तो यहीं पे जो है वेटिंग हॉल में वेट करते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 3-4 घंटे हैं अभी जो है ट्रेन पाने में। तो अभी जो है हम लोग इधर घूमने आए हैं, तो मैंने सोचा कि जो है जम्मू तभी को देख भी लिया जाए। उस दिन एक्चुअली हम लोग आए थे तो फटाफट निकल गए थे भाई साहब। यहाँ पे मतलब मैं सोच रहा था कि जम्मू में जो है मौसम अच्छा होगा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। तो अभी देखते हैं यहाँ कुछ खाने पीने का सीन बनता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम चाय कब पी थी हमें याद भी नहीं है। हाँ वही ट्रेन में पी थी चाय सारी। फिलहाल अभी ट्रेन रुक गई है और हम लोग वही ऑलमोस्ट 2 घंटे में शाहजहाँपुर पहुँच जाएंगे। पूरा रात हो गया ट्रैवल करते हुए भाई साहब, इतना ज़्यादा थक गए थे ना, फुल नाइट एकदम मस्त सोते रहे। अभी सुबह उठे, अकेला इधर पहुँच में हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है सामान वगैरह रखा है, वहाँ के सारे लोग जो है दूसरी कैसे में है, वहाँ मस्त ए सी में पड़े होंगे। मूवी काफ़ी तेज़ लगी है, तो बस फटाफट घर पहुँचे। बाकी यात्रा तो बहुत ही मस्त रही, बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे, इतने ज़्यादा लोगों के साथ मैंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया था, बहुत ही मज़ा आया। ट्रेन जो है बरेली पहुंच गई है, नेक्स्ट स्टेशन है शाहजहाँपुर, तो फटाफट नेक्स्ट स्टेशन भी आ जाए। पहले तो बहुत ज़्यादा लेट थी, अब तो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स लेट है। तो ये रहा बरेली का जंक्शन, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सारी गाड़ियाँ आती हैं। ये मेरा 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 है। दोनों ये दोनों मेरा है। ट्राली चलो आओ। तो फिलहाल ट्रेन पहुंच गई भाई साहब, 50 मिनट्स लेट चल रही है। पापा जी आ गए रिसीव करने के लिए। कहाँ गई हो, क्यों बेटू? चले 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 आओ चले। ठीक है, कल मिलेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय बाय।
हाँ यहीं से निकला। बैठो खुल गई गाड़ी, बैठो। चलो सामान रखो। तो पम्पकिन कहाँ है? पम्पकिन कहाँ है बताओ, बताओ। ये देखो उधर, उधर भी बंद कर दिया उसने। नो देखो मम्मा क्या कह रही है, बोलो कहाँ पे है। कौन सा पम्पकिन है, ये वाला पहला वाला सेकंड वाला? नो लो दादी, लो दादी। ये क्या हुआ बेटू, आपके बाल बालों को क्या हो गया? बाल किसी। फाइनली हम लोग जो है घर वापस आ गए, और भाई साहब जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं। सबसे पहले जो है नहाते हैं, उसके बाद में जो है लंच करेंगे, फिर सो जाएंगे। हाय सिंबू, क्या हाल है, क्या हाल, क्या हाल, क्या 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 हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? खूब गीला कर रहे हो, खूब पानी में बैठे हो, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, शांत हो जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? फिलहाल हम लोगों की यात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा सुखद और सफल रही, और बस थोड़ा सा जो है थकावट हो गई है, बट काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया। आई थिंक मतलब हम लोगों ने चढ़ के जो है मंदिर तक गए, वहाँ पे लगभग 20 से 22 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर की, फिर वापस आए तो उसमें भी इतना हो गया, 30 किलोमीटर के अराउंड हम लोग पैदल चले। तो लाइफ में कम से कम आई थिंक एक बार तो जो है इतना ट्राई करना चाहिए भाई, पूरी बॉडी का जितना भी है ना सब कुछ एक बार, जो शांत पड़े होंगे ना पार्ट्स वो भी जो है हिल गए थोड़े बहुत, बाकी सारे लोग जो है अच्छे सुरक्षित से वापस आ गए। तो अभी तो जो है काफ़ी सारा काम है, जो भी पैकिंग की थी वो अनपैक करना है, और अभी बाय द वे 2 बज रहे हैं, तो आज ब्लॉग जो है थोड़ा सा जल्दी एंड कर रहे हैं, पानी भी आ गई है पीछे। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों, जब मुझे देखना है ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।